हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे जीव विज्ञान या बायोलॉजी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। तो अभी तक हम लोग 700 क्वेश्चंस आपके ख़त्म कर चुके हैं। आज बात करेंगे 701 से। 701वां क्वेश्चन है आपका, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक आपके कौन थे? तो आपको बता देना है, ये थे आपके फ्रायड। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, क्या है क्वेश्चन? अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना, महर्षि पतंजलि ने। किसने? महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, एल एस डी के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हाफमैन। एल एस डी के प्रवर्तक थे आपके हाफमैन। क्वेश्चन है हमारा चौथा, क्या होगा क्वेश्चन? है अष्टांग योग का प्रतिपादन देख ही लिया हम लोगों ने। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन है पांचवा, किस प्रकार की शराब को के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो याद रखना, मैथाइल एल्कोहल के। क्वेश्चन है छठवा, अपनी महानता के बारे में मैं झूठा विश्वास है। पैरानोया। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? तो याद रखना, साइकोसिस। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका आठ, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं, रिकेट्स के। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका नौ, क्वेश्चन नंबर नौ, एटाई एटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो याद रखना, कैडमियम की। एटाई एटाई रोग आपका कैडमियम की अधिकता से होता है। क्वेश्चन है दस, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया? ये थे डॉक्टर सेठी सिंह, सेठी ने। क्वेश्चन है आपका 11, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ये रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? ये आपका टाइफाइड। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग नहीं है? तो याद रखना, वेरी वेरी नहीं है। बाकी आपका काला आजार है, मलेरिया है, प्लेग है। तो इसमें सात में बारह में क्या होगा? 712 में डी। फिर है आपका 13, कैंसर संबंधित है, कैंसर संबंधित है, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 14, आधुनिक चरम शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी धातु, भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? यह है आपकी क्रोमियम। क्या होती है? क्रोमियम। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 15, स्टांसियम लवण के द्वारा वुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? किरमिजी लाल। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 16, तांबे की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार घटता है? क्वेश्चन है आपका 7, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन है आपका
18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? निम्नलिखित में से कौन सा रंग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा या ठीक है मिस फ्रेंड हो गए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो याद रखना चेचक। क्वेश्चन है आपका 9। एड्स का कारण है वायरस। क्वेश्चन है आपका 20। HIV संबंधित है आपका, एड्स से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है आपका। जो एड्स है ये फैलता है शारीरिक संपर्क से। क्वेश्चन है आपका 22। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये आपका यूकेलोरेला। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 23। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन है आपका 24। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ये आपका सैक्रोमाइसिस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25। अफ्लाटॉक्सिन है कवक द्वारा उत्पन्न विष। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो यह आपका माइक्रोराइया। क्वेश्चन है आपका 27। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। क्वेश्चन है आपका 28। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? ये आपका एगेरिकस। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 29। लाइकेन सूचक होते हैं आपके वायु प्रदूषण से। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है परीक्षाओं में कि लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। क्वेश्चन है आपका 30। गले में लाल सदन रोग उत्पन्न होता है कवकों द्वारा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 31। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है यकृत लीवर। क्वेश्चन है आपका 32। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? ल्यूकेमिया। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 33। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ये आपका रेटिनल। डी ऑप्शन। राइबोफ्लेविन है, थायमिन है और पाइरिडॉक्सिन है, लेकिन रेटिनल नहीं है। क्वेश्चन है आपका 34। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। क्वेश्चन है आपका 35। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो याद रखना मुख से। क्वेश्चन है आपका 36। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था? हैंसेन ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 37। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 38। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। क्वेश्चन है आपका 39।
मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। क्वेश्चन है आपका 40, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 41, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं द्वितीयक उपभोक्ता। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 42, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो याद रखना जीवाणुओं में। क्वेश्चन है आपका 43, अंतःपरदीप्य जालक की खोज की फॉर्टर ने। क्वेश्चन है आपका 44, प्रोग्रामड सेल डेथ का कॉज की है एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। क्वेश्चन है आपका 45, कोशिका भित्ति होती है परागम। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 46, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। क्वेश्चन है आपका 47, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 48, वंशागति की इकाई है जीन, क्या है? जीन। बी ऑप्शन सही है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना जोहानसन ने। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 50, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो नोबेल प्राइज से, जीन संश्लेषण के लिए। सी ऑप्शन सही है। 51 क्वेश्चन है, खरीफ फसल है धान। क्वेश्चन है आपकी 52, जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है? मार्च और जून के बीच। क्वेश्चन है आपका 53, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन है आपका 54, सब्जियों को उगाना और उन उसके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 55, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं किसमें? चना में। क्वेश्चन है आपका 56, पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 57, मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो याद रखना सैमिक से। क्वेश्चन है 58, एग्रीकल्चर निम्न में से है मधुमक्खी। क्वेश्चन है 59, मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है कृत्रिम गर्भाधान। क्वेश्चन है आपका 60, गंधी कीड़ा है इसका नाशक जीव है धान। क्वेश्चन है आपका 61, रस्ट किस पौधे का कब किए योग है रोग है? गेहूं का। क्वेश्चन है आपका 62, अवांछित पौधे कहे जाते हैं खरपतवार। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 63, सभी जंतुएं हैं परपोषी। क्वेश्चन है 64, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं चना में। क्वेश्चन है 65, सब्जियों को उगना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है, पहले भी बात कर चुके हैं ओलेरीकल्चर। क्वेश्चन है आपका 66, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? मधुमक्खी। क्वेश्चन
क्वेश्चन है 67। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 68। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन है आपका 79, सॉरी 69। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे आपके स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा। क्वेश्चन है आपका 70। भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिपन लेने को कहते हैं, संतुलित आहार। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। क्वेश्चन है आपका 71। छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है, विषाणु। क्वेश्चन है 72। स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र को प्रणाली को प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को। क्वेश्चन है आपका 73। जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती हैं, ये आपका कोलेन काइमा। क्वेश्चन है आपका 74। पौधों में द्वितीय द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। क्वेश्चन है आपका 75। लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं हैं, ये आपकी स्क्लेरेन काइमा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 76। मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, एपिडर्मिस। क्वेश्चन है 77। सेलिएटेड एपी थीलियम उपस्थित होते हैं, टेकिया में। क्वेश्चन है 78। ऑस्टियो ब्लास्ट उपस्थित होते हैं, लेमिला में। किसमें? लेमिला में। क्वेश्चन है आपका 79। लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़े होते हैं पेशियां अस्थियों से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 80। रुधिर के द्रवीय भाग को कहते हैं प्लाज्मा। रुधिर को द्रवीय भाग को कहते हैं प्लाज्मा। क्वेश्चन है आपका 81। स्मूथ पेशियां उपस्थित होती हैं, सिराओं में, यूटेरस में, धमनियों में, इन सभी में। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 82। पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है, स्क्लेरेन काइमा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 83। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है, कोलेजन तंतुओं द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 84। टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, पेशियां अस्थियों से। क्वेश्चन है आपका 85। एरियोलार ऊतक मौजूद होते हैं संयोजी ऊतक में, ऊतकों के बीच। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 86। फिलोरम का कार्य है भोजन का संवहन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 87। रेखित पेशियां उपस्थित होती हैं, हाथों में, गर्दन में, पैरों में, इन सभी में। इसमें डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 88। ब्रिस बॉर्डर एपिथीलियम पाए जाते हैं, छोटी आंत में। 88 में सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 89। एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं, लिगामेंट द्वारा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है टैक्सोनॉमी। डी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 91। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। क्वेश्चन है आपका 52।
वर्गीकरण की मूल इकाई है। स्पीसीज, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 93, शैवाल इससे संबंधित है। टेरिडोफाइटस से, थैलोफाइटस से, ब्रायोफाइटस से, इन सभी से। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 94, द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे आपके कैरोलस लाइनिस। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 95, शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है। स्टार्च। क्वेश्चन है आपका 96, आइकेन का एल्गल सहयोगी कहलाता है। फाइकोबायोट। क्वेश्चन है आपका 97, टेरिडोफाइटस कहे जाते हैं फर्न्स। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 98, जिम्नोस्पर्म्स इसके द्वारा अभिलक्षण होते हैं। नग्न बीज द्वारा। क्वेश्चन है आपका 99, न्यूमेटिक अस्थियां किसमें पाई जाती हैं? मोर में। क्वेश्चन है आपका 800, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा जाता है? मैमल्स में। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 801, कपास मॉस के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? स्फेगमन को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 2, निम्नलिखित वर्गों में किस में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? इंसेक्टा में। क्वेश्चन है आपका 3, अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन से हैं? पेलीटेपस। क्वेश्चन है आपका 4, निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन जंतु है? मेंढक। क्वेश्चन है आपका 85, निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन वनस्पति है? ये आपका रेक्सिया। ये ऑप्शन सही है। तो चलिए, ये थे आपके 805 के करीब, लगभग हैं 805 के करीब जीव विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक, जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आपके वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह के अन्य विषय से संबंधित, आपके फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस आगे हम लोग लाएंगे। ठीक।